की बात, मोदी जी का नाम तो बहुत बड़ा नाम है, आज उनके मुकाबले का तो नाम देश में है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी का ऑल्टरनेटिव देश में नहीं है। गठबंधन के आधार पर तो पार्टी नहीं चल सकती ना, हम पार्टी के लोग, ये पार्टियां वो सरकार का है गठबंधन, अभी तक कोई पार्टी का गठबंधन नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में आवश्यकता थी, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े थे। आदमपुर और दो इलेक्शन हुए, तीन बाई इलेक्शन हुए, तीनों में हम बड़ी मजबूती से खड़े थे। सरकार पूरी चलेगी, सरकार दोनों पार्टियों की लीडरशिप तय कर चुकी है, पूरी चलेगी सरकार, पांच साल गठबंधन में चलेगी। गठबंधन क्लियर नहीं है सर अभी तक, गठबंधन मेरी हैसियत भी नहीं, और जो है ना कुछ लोग ऐसे जो उस पर चर्चा कर देते हैं दूसरे दल के भी, उनकी भी नहीं, जो लोगों ने करना है वो करेंगे, होगा अच्छी बात, नहीं होगा तो भी पूरी तैयारी है। गठबंधन के आधार पर तो पार्टी नहीं चल सकती ना, हम पार्टी के लोग, ये पार्टियां वो सरकार का है गठबंधन, अभी तक कोई पार्टी का गठबंधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर तीन दफे जेजेपी की आवश्यकता पड़ी उपचुनावों में, जिनको कुछ लोग भूल जाते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा कभी पार्टियों का गठबंधन नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं कि हमारा पार्टियों का गठबंधन हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में आवश्यकता थी, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े थे। आदमपुर और दो इलेक्शन और हुए, तीन बाई इलेक्शन हुए, तीनों में हम बड़ी मजबूती से खड़े थे, और आगे भी गठबंधन होगा तो दोनों पार्टियों के लिए सुखद है, अच्छा है। अभी सरकार का गठबंधन, लोकसभा और विधानसभा चुनाव, सरकार पूरी चलेगी, सरकार दोनों पार्टियों की लीडरशिप तय कर चुकी है कि पूरी चलेगी सरकार, पांच साल गठबंधन में चलेगी। पार्टियों का गठबंधन होगा या नहीं होगा, हम दोनों ही परिस्थितियों के लिए तैयार हैं, और मेरे हिसाब से दोनों ही परिस्थितियों के लिए वो तैयार है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के एक साथ हो सकते हैं, लोकसभा और विधानसभा? हाँ, हो सकते हैं ना जी, बिल्कुल हो सकते हैं। लोकसभा और मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, सब कह चुके हैं, हो सकता है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाए, फायदा मिलेगा बीजेपी और जेजेपी को? निश्चित तौर पर मिल सकता है फायदा। मोदी जी के नाम? नहीं, नाम की बात, मोदी जी का नाम तो बहुत बड़ा नाम है, आज उनके मुकाबले का तो नाम देश में है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी का ऑल्टरनेटिव देश में नहीं है, और देश की स्थिति जो है वो लगभग साफ भी है कि उनके मुकाबले अभी कोई दूसरा ऐसा दल या कोई ऐसा गठबंधन सामने खड़ा नहीं हो पा रहा। बात तो हरियाणा की है, हरियाणा के अंदर जब आएगा तो ये बड़ा अलग पहलू होगा, हरियाणा के लोगों का वोटिंग ट्रेंड बिल्कुल अलग होगा, तो बहुत सोच समझ करके फैसला होगा, निर्णायक फैसला होगा हरियाणा के अंदर। और कोई ये मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि ऊपर का फैसला हरियाणा के नीचे के फैसले को इम्पैक्ट करेगा। आपको याद होगा पीछे उड़ीसा में क्या हुआ था, दो वोटिंग मशीन थी और दोनों में लोगों ने बहुत अलग मत डाल दिया था, तो इसलिए बहुत सोच समझ करके चलना चाहिए और फैसला करना चाहिए। दोनों पार्टियों को सीनियर नेतृत्व जो है वो बहुत समझदार। एक बात आपने अपने संबोधन में कही कि दो मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में रहते हैं, एक पंजाब का और एक हरियाणा का। मैंने कहा बहुत मंत्री संतरी वहां पर रहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहा। मैंने कहा कि दुष्यंत चौटाला की कोठी पर जो भीड़ है वो किसी की कोठी पर नहीं है, ये प्रैक्टिकल सी बात है, और प्रैक्टिकल बात, दुष्यंत चौटाला को लोग बड़ी आस और उम्मीद से देखते हैं, उनकी कोठी पर जाते हैं, दुष्यंत काम करते हैं और लोग उनसे काम करवाते हैं। सीएम मनोहर लाल की कोठी पर नहीं, वहाँ भी लोग जाते हैं, मनोहर लाल जी भी लोगों से बड़ा अच्छा उनका वो है। मनोहर लाल जी इस टेन्योर में, मैं ये कहता हूँ, मैं उनकी इस बात के लिए प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया है, और उनका स्वभाव, उनकी सादगी और उनका अच्छा नेतृत्व, उनका जो अपने आप में एक पर्सनैलिटी है वो अच्छी पर्सनैलिटी। ज्यादा कहाँ होती है, मैं तो मेरे नेता की कहूँगा।